नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निक टीच में। दोस्तों आज ये पेनासोनिक का 28 इंच का LED टीवी आया है। दोस्तों फॉल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये पैनल का इश्यू है, इसको हम अभी आपको खोल के बताएंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है VGL VGH की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बेल आइकन को दबा दो ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों इसको हमने अभी ओपन कर लिया। ये इसका मदरबोर्ड जो कि कम्बो बोर्ड है, और ये इसका टिकॉन बोर्ड दोस्तों देख सकते हैं आप। ये पैनल है जो TCL का लगा हुआ है दोस्तों, ये 28 इंच का है। सब्सक्राइब करें टेक्निक टीच चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ये पैनल का इश्यू है, इसलिए ये DC to DC सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें दोस्तों ये TCL का पैनल है जो इसमें स्केलर बोर्ड है जो PCB और नॉन HD पैनल है दोस्तों, और इसमें ये टिकॉन प्रोसेसर और ये DC to DC IC, इसमें लेवल सेक्टर नहीं लगा है दोस्तों। इसमें तो पहला वोल्टेज आप देख रहे हैं VCC 3.3 दोस्तों, और ये आपको बताता हूँ ये VGH, ये VGH का पॉइंट है दोस्तों। यहां पर ये VGH जो कि 21 मिल रहा है दोस्तों, ये कम है, 26 या 27 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे। और ये VAA दोस्तों, ये वोल्टेज VAA 15 वोल्ट बता रहा है दोस्तों, और इसके बगल में यहाँ पर HVAA जो कि इसका हाफ वोल्टेज होना चाहिए, देख सकते हैं 7.2 वोल्टेज दोस्तों। तो ऐसे लगता है इसमें DC to DC IC ऑपरेट है, लेकिन दोस्तों जो VGH की सप्लाई है वो थोड़ी सी कम मिल रही है। तो ये दोस्तों इसकी टिकॉन प्रोसेसर है जो कि लेवल सेक्टर भी इसमें लगा है दोस्तों। तो यहाँ से ये सारा कॉफ का सिग्नल जाता है, और ये VGH वोल्टेज दोस्तों -6 वोल्टेज देख सकते हैं आप। तो ऐसे तो पता चल जाता है कि DC to DC IC ऑपरेट है। और दोस्तों यहाँ पर ये सारा साइड कॉफ जो इस पैनल में लगा है, यहाँ से इसका सिग्नल भी चेक कर लेना चाहिए दोस्तों। पहला वोल्टेज हम देखते हैं 2.1, और दूसरा है OE जो कि 3.3 मिल रहा है, प्रेजेंट है दोस्तों। और इसके बाद HTV और CKV दोस्तों,
तो ये सारे वोल्टेज आपको मेजर कर लेना चाहिए दोस्तों, ताकि पता चले कि एक्चुअली इसमें साइड कोप की ही दिक्कत है दोस्तों। ये सारे वोल्टेज अभी अवेलेबल है, तो इसका पैनल हमको निकालना पड़ेगा और साइड जो कोफ है उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिग्नल और कौन सा वोल्टेज मिसिंग है दोस्तों। ज़्यादातर जो हाई सप्लाई देती है वही मिसिंग हो जाता है, जैसे कि VGL और VGH यही हाई सप्लाई होती है दोस्तों। तो इसका पैनल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने पैनल को ओपन कर लिया और इसको उल्टा रख दिया दोस्तों, क्योंकि उल्टा रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक कॉफ जो साइड में लगा है उसके पीछे की साइड में जो प्रिंट आती है वो पॉइंट आपको घिस के साफ करना पड़ेगा और वोल्टेज चेक करना पड़ेगा इनके इनपुट में मिलता है कि नहीं। तो ये तीन कॉफ लगे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये पहला कॉफ है जो कि इस साइड हमने यहाँ क्लेम किया है, वहाँ पर हम अभी आपको वोल्टेज चेक करके बताएंगे कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। हमको लगता है कि इसमें VGH जो सप्लाई है सबसे ज़्यादा हाई वही कम आ रही थी, इसलिए इसकी दिक्कत यही होगी। ये दोस्तों VGL का पॉइंट है जो कि -6.15 वोल्टेज और प्रेजेंट है, और ये VGH का पॉइंट है जो कि -1 पॉइंट बता रहा है, और ये 3.3 की सप्लाई प्रेजेंट है दोस्तों। तो पहले इसमें हम VGH की सप्लाई जो कि यहाँ पर नहीं मिल रही, इस टिकॉन बोर्ड में यहाँ पर ये VGH की सप्लाई दोस्तों ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। जी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से एक तार लगाकर हम इसका जम्पर कर देंगे यहाँ तक, फिर देखेंगे कि फॉल्ट सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इसको जम्पर कर दिया है और अभी हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, कोई आगे इश्यू नहीं है ना। तो दोस्तों आपको पैनल खुला हुआ है तो चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो VGH का पॉइंट है उस पर जम्पर कर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज सही आ रहा है कि कोई दिक्कत है दोस्तों। इस पॉइंट पर VGH मिलना चाहिए दोस्तों, देख सकते हैं आप 26 वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। तो अगर इस कॉफ का डेटा चाहिए दोस्तों आपको कभी भी किसी भी कॉफ का, तो हमारा ब्लॉग है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं कोई भी कॉफ का डेटा। तो दोस्तों इसको हमने यहाँ से तार और टेप लगाकर यहाँ तक हमने इसको खींच लिया है, और अब हम इसको देख सकते हैं आप, ये तार यहाँ तक आ गया, इसकी फ्रेम फिट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने सारा टीवी पैक कर लिया है दोस्तों, अब हम इसको ऑपरेट करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों। तो हमने ऑपरेट किया, देख सकते हैं आप दोस्तों ये पैनासोनिक लिखा हुआ बिल्कुल सही आ गया। और दोस्तों अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये घंटे वाला बटन दबा देना दोस्तों। ऐसा वीडियो था, तो अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत।
एंड प्लीज सब्सक्राइब नाउ माय चैनल।